बिहार के अंतर्गत दोबारा जनतंत्र का हनन करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद और ज्यादा हमलावर रूप इस राज्य के अंतर्गत महिलाओं के ऊपर और गरीबों के ऊपर अपराध की घटना बढ़ गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण वैशाली जिला के अंतर्गत रसूलपुर में एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ जिस तरह से छेड़खानी की घटना का उन्होंने विरोध की और विरोध के बाद उसको जला करके मारने की कोशिश की गई, जो 15 दिनों तक पीएमसीएच में जीवन और मौत के साथ जूझती रह गई और आखिर में 14 तारीख को वो दम तोड़ दी। सबसे विनम्रता और सबसे निर्लज्जता पूर्वक की सरकार की हदें तो तब पार हो गई जब एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और आज तक न नीतीश कुमार और न उनके भाजपा के जो दो मुख्यमंत्री हैं उस परिवार से मिलने के लिए गया। न सिर्फ आज वह वैशाली की घटना, बल्कि आप देखते होंगे कि मोतिहारी के पिपरा में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई और विरोध करने पर उसका टुकड़ा टुकड़ा करके मार दिया गया। भागलपुर में एक अल्पसंख्यक लड़की का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। दरभंगा के अंतर्गत प्रेम विवाह में लड़का की मां के साथ मारपीट और बदतमीजी की गई। आज पूरे बिहार के अंतर्गत महिलाएं असुरक्षित है। हम समझते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नंगा नाच कर रही है, बिहार के अंतर्गत भी नंगा नाच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं चुप नहीं बैठेगी और आज हम पूरे बिहार के अंतर्गत आंदोलन चल रहा है। आज पूरे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति समेत पूरे महिला संगठन बिहार के अंतर्गत सड़कों पर है। हम मांग करते हैं कि आज जिस तरह से उस लड़की के साथ, वैशाली की बेटी के साथ जो बदतमीजी और उसके हत्या की गई, उनको 25 लाख मुआवजा दिया जाए। तमाम जो अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम मांग करते हैं कि तमाम महिला हिंसा के केस में स्पीडी ट्रायल करके अविलंब सजा दिया जाए और इस तरह की घटना पर रोक लगाई जाए। महिला संगठन आज आंदोलन कर रही है, विधानसभा के अंदर जो वाम मोर्चा महागठबंधन के लोग हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं। ये आंदोलन